भारत के 1275 रेलवे स्टेशन पे अब एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी। अमृत भारत योजना के तहत 41 करोड़ से रेलवे स्टेशन का नया रूप दिखा जाएगा, जिसमें से हमारा ये बलिया रेलवे स्टेशन भी शामिल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि इन योजना में क्या क्या अपग्रेड हुई है अभी तक, और ये रेलवे स्टेशन पे क्या क्या न्यू चीज़ बन चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये इस योजना में क्या क्या बनने वाली है इस रेलवे स्टेशन पे। इस रेलवे स्टेशन पर 4 एक्सेलेटर, 4 लिफ्ट, 12 मीटर चौड़ा फुट ब्रिज और प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4 पर वेटिंग हॉल और 4 नंबर प्लेटफॉर्म की लंबाई एवं ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा स्टेशन पर पार्सल स्टोर को और भी काफ़ी बड़ा बनाया जाएगा और स्टेशन के दोनों तरफ सड़क को बनाया जाएगा और साथ ही साथ उत्तरी प्रवेश द्वार में निर्माण काफ़ी अलग तरीके से होगा, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। और स्टेशन का फ्रंट व्यू भी काफ़ी अट्रैक्टिंग होगा, जिससे लगेगा जैसे कि लग्जरी होता है ना, वैसा ही कुछ टाइप का दिखे। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं फुट ओवर ब्रिज पे और यहाँ से आपको दिखाएंगे हर एक चीज़ की क्या क्या बदलाव हो चुकी है। उससे पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला अपडेट दोस्तों, प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे, ये देखिए, ये काफ़ी टाइम से ये छत वाली सील्ड तैयार हो रही थी और फाइनली ये ग्रिल अब तैयार हो चुका है और जल्द ही इसके ऊपर छत ढाला जाएगा। और यहाँ जो लिफ्ट का काम चल रहा था, ये भी अब लगभग होने वाला ही है। ये जितना भी पाइप लगने वाला था लग गया है, इसके अंदर भी अब पाइप लगाया जा रहा है। और वहाँ देखिए दोस्तों, प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर ये जो काम चल रहा था, यहाँ पर भी अब लिफ्ट लगाने का काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि पहले गड्ढा कर छोड़ दिया गया था। इसके आगे भी गड्ढा हुआ है, लेकिन ये अभी लिफ्ट का काम चल रहा है। यहाँ देखिए ग्रिल वगैरह लग रहा है लिफ्ट के लिए। तो चलिए अब चलते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 1 की तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ लिफ्ट का काम ऑलरेडी हो चुका है, जो ग्रिल वगैरह लगा था वो कलर हो चुका है और इसके अंदर अब सेट किया जा रहा है लिफ्ट को। पाइप वगैरह लग रहा है लिफ्ट का। और यहाँ से स्टेशन पूरा देखिए, वहाँ पर भी अभी काम चल रहा है और यहाँ 2 और 3 पर लिफ्ट के लिए स्टार्ट हो चुका है काम। जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, वहाँ भी खुदाई चल रहा है, लेकिन वहाँ क्या बनेगा अभी तक पता नहीं चला है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर हर जगह डिस्प्ले लग चुका है और ओवरब्रिज पे भी डिस्प्ले लग रहा है। और ये एक्सेलेटर तो आप बहुत पहले ही देख चुके थे कि ये इसका काम हो चुका था। और देखिए, ये अभी फ़िलहाल बंद है, जल्द ही चालू हो जाएगा पूरा स्टेशन बनने के बाद। और दोस्तों, ये जो आप इंजन देख रहे थे, ये सबसे फ्रंट में था, लेकिन इसको वहाँ से हटा कर यहाँ दूसरे द्वार पे रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग तरीका का बनेगा, वो आपको आगे पता चल जाएगा क्या बनने वाला है। मुखिया 4 की तरफ देखिए, और भी कुछ अपडेट्स हैं। यहाँ जो बाउंड्री बन रही थी वो बनकर बाउंड्री तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये पूरा जितना बाउंड्री था, ये पूरा बाउंड्री बनकर तैयार हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए, पूरा बाउंड्री बनकर तैयार हो चुका है। और ये जो बीच में जगह दिया गया है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनेगा। और यहाँ पानी पीने के लिए भी बन चुका है, हर एक जगह पे आपको पीने के लिए पानी मिल जाएगा। और वहाँ जो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ भी आपको ले चलेंगे। उससे पहले देखिए, यहाँ पे टेम्प्रोरी जो लोग आना जाना कर रहे हैं, वो इस तरफ से कर रहे हैं। ये छोटा मोटा रास्ता बना है टेम्प्रोरी आने जाने के लिए। और यहाँ जो 3 पिलर देख रहे हैं आप, 3-4 पिलर, ये आपका ओवर ब्रिज के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू ओवर ब्रिज बनने वाला है उसी के लिए है। और ये जो पुराना टिकट घर देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा बंद हो चुका है। और यहाँ से देखिए, बीच में से एक सीढ़ी निकल कर जा रहा है, यही ओवर ब्रिज में कनेक्ट होगा। और यहाँ पे आपको वेटिंग हॉल देखने को मिलेगा और कुछ फास्ट फूड की दुकानें देखने को मिल जाएगी। और बलिया का फ्रंट व्यू देखिए आप, यहाँ पर क्या क्या अपग्रेड हो चुकी है। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग कर देने वाली बात ये है कि ये जो बलिया में जो नया बन रहा है रेलवे स्टेशन, उसका ऊपर का हिस्सा बारिश के दौरान में टूट गया था। ये देखिए, यहाँ पे ये ग्रीन पर्दा लगाकर उसको ढकने की कोशिश की गई है। पता नहीं कैसे बन रहा है कि ये बारिश को झेल नहीं पाया, वहाँ पे टूट गया है।
अभी भी एक ग्रीन पर्दा ही लगा है, इसके ऊपर अभी काम नहीं स्टार्ट हुआ है, पता नहीं इसको कब ठीक किया जाएगा। और आगे जो भी काम हो रहा है अब पता नहीं कैसा बन रहा है कैसा नहीं, क्योंकि ये जो बना है पहला, ये तो बारिश का पानी झेल नहीं पाया, ये टूट गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको हर एक डिटेल के साथ वीडियो लाऊंगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।